जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए मूल्य के नकली दवाओं के साथ 4 युवकों को हिरासत में लिया है। विभाग ने गोलमुरी इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर इन युवकों की गिरफ्तारी की। बताया जाता है कि इनके पास से विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाई ट्रामाडोल बरामद किया है। इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी ने कहा कि विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र से 4 युवकों को प्रतिबंधित दवाई ट्रामाडोल के साथ हिरासत में लिया गया। फिलहाल विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस युवकों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बताया जाता है कि नशे के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला प्रतिबंधित दवाइयां TCI के माध्यम से यह पटना से मंगाया गया था, जिसकी युवक डिलीवरी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान विभाग ने इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। गुप्त सूचना मिल रही थी, काफ़ी कंप्लेन भी आ रहा था कि ये नीला रंग का कैप्सूल जो है हर दुकान में मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग लगातार इस चीज़ में काम कर रहे थे, रैकी भी कर रहे थे। आज एक सूचना मिली कि एक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी मात्रा में अवैध तरीके से माल पटना से आया हुआ है। तब उसी के आधार पे हम लोग एक छापामारी टीम दल गठित किए, उसमें थाना पुलिस सशस्त्र बल भी थे, और करीब 2-3 घंटा हम लोग रैकिंग करने के बाद जो जिनका माल था वो आए, और वो एक टेम्पो में आए और उसको जैसे ही इनको लादे वैसे ही हम लोग उनको पकड़े, और उनसे जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया, और ये बोले कि ये जो इतना भी मेडिसिन है ये हम लोग झोला में ले लेके इधर उधर लोगों को बेचते हैं क्योंकि नशा में यूज़ करने के माल। जो 4 जन पकड़ा है उनमें से एक ऑनेस्ट ले रहा है कि ये मैंने ही मंगाया है। ट्रामाडोल है और अल्प्राजोलम, ये बेसिकली नींद की दवाइयां हैं, लोग उसको नशा के तौर पर यूज़ करते हैं। रैकी की जा रही थी, पहले से हम लोग लगे हुए थे, और चूँकि माननीय जी भी बोले थे तो उसके आलोक में भी हम लोग लगातार सर्च कर रहे थे कि कहाँ मतलब इस तरह का इलीगल कार्रवाई काम हो रहा है। ओंकार आवामी के लिए जमशेदपुर से नीलेश सिंह की रिपोर्ट।